मुन्ना भाई मुझे बता रहे थे, हम कहानी बता रहे यार, नया डायरेक्टर है, कर ही लेगा। दोस्तों फिल्म सलार को लेकर ये क्या बोल गए शाहरुख खान बताएंगे और आपको पूरी अपडेट से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों प्रभास की फिल्म एक बार फिर दर्शकों के लिए बड़े पर्दे पर मनोरंजन लेकर आ गई है। उनकी फिल्म 22 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी। दरअसल मेकर्स ने इस फिल्म को न्यू ईयर के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया था। यह फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। इस फिल्म का टोटल बजट 400 करोड़ रुपए बताया गया है और दर्शक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यह फिल्म 200 करोड़ तो अपने पहले वीकेंड में ही पार कर लेगी। फिल्म को लेकर नई अपडेट की बात करें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग 1 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 90 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर लिया है और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई है। फिलहाल फिल्म के रिलीज होते ही धीरे धीरे कई नेताओं के रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं। इसी में शाहरुख खान का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि दोस्तों आए दिन हमारे बॉलीवुड में नई नई फिल्में रिलीज होती रहती हैं। इसी में हाल ही में सालार मेरे सामने आई थी। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह फिल्म पब्लिक को भी अच्छी लगी होगी। इस फिल्म में प्यार, एक्शन, कॉमेडी की कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है और प्रभास इसमें मुख्य रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने इस फिल्म का टीजर भी देखा था। मुझे तभी पता लगाया था कि टीजर इतना बेस्ट है तो फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मेरे अंदाज से यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही 300 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में कितने करोड़ रुपए कलेक्शन करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।